हेलो गाइस, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम इन म्यूसमा क्लासेस। सो आज हम पढ़ने आ रहे हैं मेडलिन के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। ओके, सो गाइस, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था एडेलिन के बारे में। तो एडेलिन होता क्या था? इसमें सिंगल इनपुट लेयर होती थी और सिंगल आउटपुट लेयर होती थी। तो इसमें सिंगल सिस्टम में वर्क करते थे। ओके, सिंगल लेयर वर्क करते थे, मतलब कि इनपुट लेयर एंड देन आउटपुट लेयर एंड देन फाइनल। ओके, बट एडेलिन के बाद आया मेडेलिन। जब हमें एडेलिन में दिक्कतें हुई, ये दिक्कत हुई कि हमारे पास हिडन लेयर नहीं थी, हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए मेडेलिन आया। तो एडेलिन के कॉम्बिनेशन से मेडेलिन बना। सपोज दैट आपके पास यही फिगर है, ठीक है? तो आप ये देख रहे हो आर्किटेक्चर है एडेलिन का, एंड इसके कॉम्बिनेशन से, कई सारे एडेलिन के कॉम्बिनेशन से हम मेडेलिन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आपको मैं एल्गो बताऊंगा, कंपेयर करूंगा एडलिन और मेडलिन के एल्गो भी कंपेयर करूंगा, जिससे आपको इजी हो समझने में। ओके, सो पहले समझ लेते हैं मेडलिन क्या होता है। ये एक तरीके कॉम्बिनेशन होता है एडलिन का, ठीक है? इट इज कॉल्ड मल्टी लेयर एडलिन ऑल्सो। ओके, सो मल्टी लेयर एडलिन भी बोलते हैं इसे, मेडलिन को। ओके, कॉम्बिनेशन कैसे? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनपुट लेयर है, ठीक है? यही आउटपुट लेयर है, जैसे सेम इसमें था, देख रहे हो जैसे सेम इसमें था। एंड अब यहाँ पर क्या है, एक हिडन लेयर भी आ चुकी है, ठीक है? X1 X2 इज द इनपुट लेयर, Z1 Z2 इज द हिडन लेयर एंड Y इज द आउटपुट लेयर। यू कैन सी हियर 1 1 1, दीज ऑल थ्री आर बायोस। ओके, बायोसेस, दीज ऑल थ्री आर बायोसेस, B1 B2 एंड B3 एंड W1 W2 W11 W12 W21, दीज ऑल थ्री आर वेट्स बिटवीन द इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर। एंड दीज वाई B1 एंड B2, दीज टू आर द वेट बिटवीन द हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ओके, तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि मेडलिन क्या है, तो आप मेडलिन लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडलिन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी लेयर एडलिन, एंड ये आप लिख सकते हो, एंड उसका आर्किटेक्चर आ सकते हो। और आर्किटेक्चर में आप ये लिख सकते हो W11 W12, दीज ऑल थ्री आर द वेट इज वेट बिटवीन द इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर, एंड दीज ऑल दीज टू आर्स आर द वेट बिटवीन द हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड आर्किटेक्चर बना सकते हैं आप इसका, ठीक है? इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कितने इनपुट लेयर, कितने इनपुट न्यूरॉन्स हैं। ये X1 X2 क्या है? ये न्यूरॉन्स हैं। X1 X2 आर द न्यूरॉन्स, एंड यहाँ आप देख सकते हो ये दो न्यूरॉन हैं। ये दो यहाँ पर क्या है, हिडन न्यूरॉन्स हैं, एंड ये क्या है, आउटपुट न्यूरॉन्स हैं। और मैंने आपको और न्यूरॉन्स के बारे में बताया, अगर आपने न्यूरॉन का लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो किस तरीके से एनन वर्क करता है, किस तरीके से बीएनएन वर्क करता है। बीएनएन को हम इम्प्लीमेंट बीएनएन की चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं हम आर्टिफिशियली, तो उसे एएनएन बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, तो ये देखिए ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगी, इस पर क्लिक करिए और आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो एल्गो पे आते हैं डायरेक्टली। सो एल्गो क्या है, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पर इसको समझते हैं डायरेक्टली। यहाँ से स्टेप नंबर वन से पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं वेट एंड बायस को। ओके, एंड जो अल्फा होता है वो ये क्या होता है, यहाँ पर सेट लर्निंग रेट होता है। यहाँ पर लर्निंग रेट अल्फा है, इनिशियलाइज कर लेते हैं वेट एंड बायस को, सिंपल है। इन द फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम वेट एंड बायस को क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं एंड रैंडम नंबर वैल्यू से, ठीक है? एंड यहाँ पर अल्फा जो होता है वो लर्निंग रेट होता है। ओके, एंड सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप में हम जो भी स्टॉपिंग कंडीशन होता है उसको देख कर चेक करते हैं कब ये फॉल्स होगी, तो इसके लिए जाते हैं 3 to 9, तो 3 स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फॉर ईच बाईपोलर ट्रेनिंग पेयर, देखिए हर आपको मैंने एल्गोरिथम में, चाहे एडलिन की पढ़ी हो आपने, चाहे आपने परसेप्टॉन की पढ़ी हो, हैब की पढ़ी हो, मैंने आपको सारे कॉमन स्टेप्स बता रखे हैं किस तरीके से करना। अगर आपने मेरा हैब का वीडियो नहीं देखा है तो हैब लर्निंग का आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखिए क्या है, फॉर ईच बाईपोलर ट्रेनिंग पेयर ST, ठीक है, ST के लिए आपको जाना है 4 to 8, तो 4 to 8 चलते हैं। सेट एक्टिवेशन फॉर इनपुट यूनिट XI इक्वल टू SI, तो SI को दे देना है आपको, XI को, ठीक है, I इक्वल टू 1 to N, ठीक है? तो फिर से बताता हूँ आपको एक बार, इनिशियलाइज कर लीजिए वेट एंड बायोस को, लर्निंग रेट अल्फा हो जाएगा फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल रैंडम वैल्यू। ओके, देन स्टॉपिंग कंडीशन के लिए जाना है 3 to 9, इसके बाद आपको ट्रेनिंग पेयर के लिए जाना है 4 to 8, इसके बाद एक्टिवेशन सेट करना है तो उसके लिए XI इक्वल टू SI कर देना है। इसके बाद कैलकुलेट द नेट इनपुट फॉर एडलिन यूनिट, तो आप कैसे करते हैं, आप देखिए जैसे ये Z1 Z Z इन 1 लिखा है, Z इन 2 लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या करते हो, देखिए जैसे आपको इसके लिए निकालना है तो XI, ठीक है, पहले बायोस स्क्वायर कर दिए, बायोस B1 प्लस XI इंटू W11,
समझ गया आपको, एक्स वन इंटू डब्ल्यू वन वन, बी वन प्लस एक्स वन इंटू डब्ल्यू वन वन, समझ गए, इस तरीके से कर रहे हैं। तो बी वन प्लस एक्स आई, यहाँ एक्स आई है तो एक्स आई की जगह एक्स वन डब्ल्यू वन वन हो जाएगा। और देखिए एक्स टू इंटू डब्ल्यू वन टू, देखिए इस जेड वन न्यूरॉन के लिए निकालना है, जेड इन वन, देखिए जेड इन वन, तो बी वन प्लस एक्स वन इंटू डब्ल्यू वन वन इसी के लिए निकालना है, इसी के लिए, तो एक्स टू इंटू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू वन, देखिए आप इस तरीके से डब्ल्यू टू वन है कि नहीं, सेम इसी तरीके से आप इसके लिए निकालते हैं, देखते कैसे निकालते हैं, इसके लिए निकालना है तो क्या निकालेंगे, बी टू प्लस एक्स टू इंटू डब्ल्यू टू डब्ल्यू, ये आपका जो है तो टू टू जाता है, ठीक है, एंड एक्स वन इंटू वन टू, देखिए इस तरीके से निकालना है, एक्स वन इंटू वन टू, एक्स टू डब्ल्यू टू टू, ठीक है, तो सेम यही है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, और ये फॉर्मूला कैसे आता है, देखिए जैसे आपने यहाँ यूज़ किया होगा, देखिए इस तरीके से है ना, तो समेशन डब्ल्यू डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी है ना, तो मतलब तो यही होता है ना, डब्ल्यू एक्स आई, डब्ल्यू आई एक्स आई बी का मतलब यही होता है कि इस पर जितने भी डब्ल्यू और एक्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्लस बी वन, ठीक है, तो इस तरीके से निकल रहा है। ओके, इसके बाद फॉर आउटपुट हिडन लेयर के लिए क्या करना है आपको, आपको एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन यूज़ कर लेना है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन के बाद क्या करना है आपको, अब आपको ये आपने क्या कर लिया, आपने इस यहाँ तक के लिए हो गया, अब यहाँ के लिए चलेंगे हिडन लेयर से आउटपुट लेयर के लिए, तो ओवरऑल आउटपुट के लिए चल रहा है, तो इनपुट टू आउटपुट, ठीक है, तो वाई इन इक्वल टू बी थ्री प्लस जेड वन बी वन जेड टू बी टू, यहाँ बी वन बी टू क्या है, वेट्स हैं, और जेड वन जेड टू क्या है, हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हैं, एंड बी थ्री क्या है, ये बायोस बायोस है, किस पे, आउटपुट लेयर पे। ओके, इसके बाद एक्टिवेशन सेट कर लीजिए, ठीक है, हर बार हम क्या करते हैं, जब नेट निकाल लेते हैं इसके बाद हम एक्टिवेशन सेट करते हैं, ठीक है, इनके इसके बाद क्या करते हैं, आप एरर चेक कर लीजिए एंड अपडेट कर दीजिए, जो भी वेट आपका अपडेट कर, लेकिन कंडीशन है अपडेट करने के लिए, अगर टी की वैल्यू वाई के बराबर है तो नो अपडेशन, अगर टी की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है तब क्या करेंगे हम, जो अपडेशन करेंगे उसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हम लोग सेट करते थे परसेप्टॉन लर्निंग में, आपने देखा होगा परसेप्टॉन लर्निंग में, दिखा दूँगा आपको, परसेप्टॉन लर्निंग में आपने देखा होगा, यहाँ पर हम क्या करते थे, टी इज़ नॉट ग्रेटर देन वाई या एक्स आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या करते थे, डब्ल्यू आई न्यू इक्वल डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस अल्फा टी एक्स आई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और बी जो तुम्हारा बायोस था अल्फा टी करते थे, तो ये ध्यान रखिएगा अल्फा टी एक्स आई करते थे परसेप्टॉन लर्निंग में। फिर हम लोग पढ़ने लगे एडलिन, एडलिन में हम क्या करने लगे, अल्फा टी एक्स आई, लेकिन टी की जगह हम लोग रख दिया टी माइनस वाई एन, अल्फा टी एक्स आई, टी की जगह टी माइनस वाई एन, ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अल्फा कहाँ गया, ये अल्फा टी एक्स आई सेम है, टी की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने वन माइनस जेड एन, टी की जगह रख दिया हम लोगों ने वन, देखिए अगर टी इक्वल टू वाई है तो अपडेशन नहीं करेंगे, लेकिन टी अगर वाई के बराबर नहीं है तो टी की वैल्यू वन रख देंगे, और वन की जगह यहाँ टी माइनस जेड एन, देखिए एडलिन में क्या करते थे हम लोग, ओके एडलिन में हम लोगों ने अल्फा टी की जगह टी माइनस वन रख दिया, सेम इसी जगह पर टी की जगह वन रख दिया गया है, देखिए टी की जगह वन रख दिया गया, वन माइनस जेड एन, ओके, एंड अगर टी की वैल्यू माइनस वन निकली, अब देखिए टी इज नॉट इक्वल टू वाई है तो टी की वैल्यू या तो वन होगी, टी की वैल्यू माइनस वन होगी, अगर वन होगी तो हम टी वन रख देंगे, और माइनस वन होगी तो यहाँ पर माइनस वन रख देंगे, सिंपल सी बात है, माइनस वन रख देंगे, सिंपल से निकल जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लेंगे लास्ट में कि स्टॉपिंग कंडीशन हमारी क्या है, और यहाँ पर जो भी चेंज होंगे तुम्हारे वेट के वो अब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और कुल मिला के यहाँ पर स्टॉपिंग कंडीशन आपको चेक करनी है। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, फिर से एक बार समझ लेते हैं, लेकिन ठीक है, तो मेडलिन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एडलिन होता है, मल्टी लेयर एडलिन होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हिडन, ये आपकी इनपुट लेयर है, हिडन लेयर्स हैं, ये आउटपुट लेयर है, दो इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं, दो हिडन लेयर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये वन इनपुट न्यूरॉन होता है। एल्गोरिथम में हमने दोनों देखा कि पहले स्लाइस कर लेते हैं, वेट एंड बायोस ने स्लाइस कर लेते हैं, फिर स्टॉपिंग कंडीशन चेक कर लेते हैं, उसके लिए थ्री टू नाइन जाते हैं, इसके बाद जो तुम्हारा एसटी का पेयर होता है उसके लिए जाते हैं हम फोर टू एट जाते हैं, इसके बाद एक्टिवेशन चेक कर लेते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक्स आई को डेस आई कर लेते हैं, फिर फिफ्थ यूनिट पर जाते हैं, और उसके बाद हम लोग जेड वन जेड इन वन जेड टू निकाल लेते हैं, इसके बाद एक्टिवेशन चेक कर लेते हैं, एक्टिवेशन के बाद हम जाते हैं इनपुट टू आउटपुट जाते हैं, इसके बाद फिर से एक्टिवेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं टी की वैल्यू वाई के बराबर है तो अपडेट नहीं करते हैं, अगर टी की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है तो टी की वैल्यू वन हो गया तो माइनस वन होगी, वन होगी तो वन रख देंगे, माइनस वन होगी माइनस वन रख देंगे, और इसको आप क्या करिएगा, परसेप्टॉन लर्निंग और आपका एडलिन एंड मेडलिन इन तीनों को एक साथ पढ़िएगा, जब भी आप पढ़िएगा तो ये तीन आपको याद रहेंगे, क्योंकि एक जैसे ही सारी हैं, सारी एक जैसी एल्गोरिथम है, अगर आपने नहीं देखा तो ये फिर से आपको आई बटन दिख रही होगी यहाँ पर, उस पर जाकर क्लिक करिए, और आप मेरा परसेप्टॉन लर्निंग एंड आप एडलिन जो जो लेक्चर मैंने बनाया वो आप देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है और 10-10 नंबर में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पक्का पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच गाइस।